लेकर 50,000 रुपए तक का लोन 5 मिनट में ले सकते हैं, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 5% मंथली रहेगा 3 से 6 महीनों के लिए। तो इसमें आप जो भी लोन लेंगे उस पर आपको 5% का मंथली इंटरेस्ट देना होगा और आपकी EMI 3 से 6 महीने के लिए बन जाएगी। अगर आप चाहें तो सभी EMI को एक साथ पे कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हर महीने भी एक एक करके EMI पे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन लेने का प्रोसीजर क्या है। प्ले स्टोर से ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, इसमें आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू। इसके बाद आप कुछ परमिशंस देंगे, इसमें आप अलाउ करेंगे। इसके बाद आप लैंग्वेज चूज करेंगे और स्टार्ट। इसमें आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद आप एक पासवर्ड चूज कर लेंगे और इसके बाद आप एक OTP डालेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप कैश लोन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको फर्स्ट टाइम KYC करनी होती है, कन्फर्म करेंगे। इसमें आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और लैंग्वेज चूज करेंगे। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। पैन कार्ड नंबर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होगा जो आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद आप आधार कार्ड नंबर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आ जाएगा। OTP डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपकी आधार डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आप गो टू कैश लोन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अमाउंट चूज करेंगे जितना भी आपको चाहिए और कुछ डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। आप अपने बैंक का पिछले 3 महीनों का स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर देंगे, स्टेटमेंट चूज करके अपलोड कर देंगे। स्टेटमेंट आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से निकाल सकते हैं। एक बार आपका स्टेटमेंट अपलोड हो जाएगा तो क्लिक हियर टू फिनिश पर क्लिक करेंगे और फाइनली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं लोन अप्रूव हो गया है। टेक लोन पर क्लिक करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं लोन सेक्शन लेटर यहां पर डाउनलोड हो गया है, इसको आप रीड करेंगे। इसके बाद आप अमाउंट को अपने बैंक में या वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं और ये विड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद आप यहीं से अपनी EMI पे कर सकते हैं। आप तीनों EMI एक बार भी पे कर सकते हैं। इसमें आप चूज करेंगे डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। इसमें आप एक पिन यहां पर क्रिएट कर लेंगे, पिन आपका क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आप यहां इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI से अपनी EMI पे कर सकते हैं। EMI आप सभी एक साथ भी पे कर सकते हैं या आप हर महीने एक EMI भी पे कर सकते हैं। इसमें जितना भी आप अमाउंट का लोन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर EMI बनती है और उनको आप पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों EMI पे हो गई है और साथ ही यहाँ पर लोन एग्रीमेंट भी डाउनलोड करके आप उसको भी देख